हैदराबाद में ऑडी कार ने ऑटो को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हादसा, ऑटो के चालक की मौत। फिरोजाबाद में सड़क पर खड़ी बस से मिनी ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 5 की गई जान। बस में आई खराबी ठीक कर रहा था ड्राइवर, पास खड़े कंडक्टर और यात्री भी आए चपेट में। अहमदाबाद में बेकाबू कार का टीका कहर, हादसे में एक महिला की मौत। बेकाबू कार से फुटपाथ पर सो रहे कुल 5 लोगों को कुचला, इनमें से एक महिला ने तोड़ा दम, कुछ की हालत गंभीर। जोशीमठ में हाथी पहाड़ पर भूस्खलन, फिर ठप हुआ बद्रीनाथ हाईवे। नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, ऊंचे पहाड़ से तेज रफ्तार के साथ गिरते दिखाई दिए पत्थर। पश्चिमी यूपी में बारिश, मुरादाबाद में पानी जमने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। कर्नाटक के रायचूर में भारी बारिश से तबाही, पानी से डूब गए सैकड़ों घर। मध्य प्रदेश के धार में बारिश की कमी ने लोगों को किया बेहाल, गांव वालों ने किए टोने टुटके। महाराष्ट्र में बुलढाणा में मूसलाधार बारिश से आफत, निचले इलाकों में भरा पानी, तालाब की दीवार गिरने से खेत जलमग्न। हरियाणा के रोहतक में भारी बारिश से नहर का बांध टूटा, हजारों एकड़ फसल बर्बाद। जामताड़ा में भारी बारिश से भर गया है 30 फीट गहरा कुआं, जान जोखिम में डालकर छलांग लगा रहे हैं बच्चे। यूपी के अमेठी में बिजली गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत, 3 जख्मी। बिहार के सहरसा में आसमानी बिजली गिरने से 5 की मौत, मृतकों में 4 बच्चे शामिल। श्रीनगर सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी समेत 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया आतंकी ठिकाना। श्रीनगर के पारिनपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने की आतंकियों की घेराबंदी, देर तक चला ऑपरेशन। मुठभेड़ के दौरान लश्कर कमांडर नदीम अबरार मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल बरामद। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने कल नरवल से आतंकी नदीम अबरार को किया था गिरफ्तार, आतंकी नदीम की निशानदेही पर सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने पर की थी छापेमारी। सुरक्षा बलों की छापेमारी के दौरान अबरार के साथी और पाकिस्तानी आतंकी ने शुरू कर दी फायरिंग, जवाबी कार्रवाई के दौरान अबरार समेत 2 आतंकी मारे गए। कालूचाक मिलिट्री स्टेशन के पास फिर दिखाई दिए ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियों ने फायरिंग की तो फौरन हो गए गायब। 3 इलाकों में देखे गए थे ड्रोन, अब तक ये साफ नहीं कि तीनों एक ही ड्रोन थे या फिर अलग अलग। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की जांच तेज, हमले में RDX के इस्तेमाल होने का शक। FSL टीम भी ड्रोन हमले में इस्तेमाल विस्फोटकों की कर रही है जांच, तलाशी में अब तक ड्रोन के सबूत नहीं। यूपी में धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर कासमी की आज खत्म होगी रिमांड, 7 दिन ATS रिमांड पर थे दोनों। बिहार के किशनगंज में कंधे पर दुल्हन को लादकर नदी पार कर रहा है दूल्हा, वीडियो वायरल। कनकई नदी पर पुल नहीं होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कत, नदी पार गई थी बारात। प्रयागराज में संगम पर पड़ा नदी का जलस्तर, जलकुंभी की आई बाढ़, ना चलाना मुश्किल। पंजाब में पक्की नौकरी की मांग के लिए अस्थायी शिक्षकों ने बनाया कच्चे अध्यापक का यूनियन, आज मोहाली में मुख्य शिक्षा बोर्ड के दफ्तर के बाहर धरने की तैयारी। बिहार में कोरोना टीकाकरण के में पूर्वी चंपारण जिले ने मारी बाजी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी शुभकामनाएं। मुंबई में GRP महिला जवान ने बचाई एक मुसाफिर की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में फिसला था यात्री। महाराष्ट्र के अकोला में 3 महिला मंजिला जर्जर इमारत का हिस्सा ढहा, कुछ दिन पहले ही नगर निगम ने दी थी नोटिस। सुकमा में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलटा, ड्राइवर और खलासी को आई चोटें। आजमगढ़ में हाईवे पर एक स्कॉडा कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पटना सिटी के दीवान मोहल्ला में एक ही रात को 3 घरों में टूटे ताले, चोरों ने उड़ाया लाखों का सामान। मेरठ में रिहायशी इलाके में तेंदुए से दहशत, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ के वायरल वीडियो से दहशत, बाघ के साथ दिखे 2 शावक। चोरी के गहने पकड़ने के लिए अब ज्वेलरी की भी होगी यूनिक ID, ज्वेलरी से आधार की तर्ज पर यूनिक पहचान जरूरी। पेरिस तीरंदाजी वर्ल्ड कप में दीपिका की कामयाबी से पिता खुश, रांची में गदगद पिता ने कहा अब ओलंपिक की बारी। ग्रेटर नोएडा बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फिर होगा Formula 1 रेस, JP समूह को मिला आवंटन बहाली का मौका। ग्रेटर नोएडा में 14 मंजिल से कूदकर एक महिला ने दी जान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के अलवर में गो तस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग, 1 जवान जख्मी, 5 गिरफ्तार। फतेहाबाद में चोर नर्स धरी गई, लेबर रूम से किट निकालकर बेच रही थी बाजार में। राजस्थान के भरतपुर में महिला सिपाही घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, केस के नाम हटाने के एवज में ले रही थी 1.5 लाख रुपए।
राजस्थान के झालावाड़ में विधवा के घर लाखों की लूट, पुलिस ने 7 लुटेरों को दबोचा। झारखंड के कोडरमा में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा, पुलिस को कई मामलों में थी तलाश। बरेली में डिब्रूगढ़ दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में नाबालिग के साथ बदसलूकी, जीआरपी ने दर्ज किया मामला। नोएडा में पुलिस ने चोरी की कार खरीदने वाले बदमाश को धरा, 2 कार बरामद। भीलवाड़ा में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, पुलिस के मुताबिक मामला आपसी रंजिश का। गुरुग्राम में पुलिस ने नशे की पार्टी पर की छापेमारी, 22 लोग हिरासत में। बोधगया के महाबोधि मंदिर में अचानक रात को पहुंचे सिटी एसपी, सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण। कोलकाता स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में तलाशी, 10 किलो चांदी के बिस्किट मिले। आसनसोल एसटीएफ और पटना आरपीएफ की कार्रवाई, 18 किलो चांदी लेकर जा रहे थे आगरा। ओडिशा के बहरामपुर में 300 किलो गांजा जब्त, सब्जी के ट्रक में छुपाकर ले जा रहे थे आरोपी। असम के दुकानदारों की अपील, केस कम होने पर दुकान खोलने की मिले इजाजत। वडोदरा में महंगे पेट्रोल का अनोखा विरोध, सामाजिक कार्यकर्ता ने मुफ्त पेट्रोल बांटने का किया ऐलान। वंदे मातरम बोलने पर मुफ्त पेट्रोल देने का ऐलान, सुबह से लग गई लोगों की लंबी कतार। लखनऊ में योगी सरकार के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, नौकरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में लेफ्ट छात्रों का विरोध प्रदर्शन, वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़े को लेकर हल्ला बोल। पंजाब के फरीदकोट में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर हल्ला बोल। अगस्त से शुरू हो सकता है 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन, ट्रायल लगभग पूरा। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 36,000 से ज्यादा मरीज, एक दिन में 907 की गई जान। देश में अब तक 32,90,00,000 से ज्यादा लोगों को लगे कोरोना के टीके। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार। गुजरात में भी तेजी से गिर रहा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 96 नए केस, 3 की मौत। महाराष्ट्र में अब थमने लगी है कोरोना की लहर, 24 घंटे में 6,727 ताजा मामले। रत्नागिरी में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से 1 मरीज की मौत, 9 मामले सामने आने से प्रशासन सतर्क। दिल्ली में 24 घंटे में 59 नए मामले, संक्रमण की दर घटकर पहुंची 0.10%। यूपी में कोरोना की रफ्तार पड़ी सुस्त, गाजियाबाद में 28, नोएडा में 70 एक्टिव मामले। यमुना में प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, कारंडी कुंज के पास दिखा जहरीला पानी। समस्तीपुर में भीड़ ने 2 प्रेमी जोड़ों को बांधकर पीटा, खेत में दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर भड़की भीड़। फरीदाबाद में तीसरी मंजिल से गिरने से एक शख्स की मौत, पड़ोसी के कुत्ते के दौड़ाने पर हुआ हादसा। सोनीपत पुलिस ने उठाया ब्लाइंड मर्डर से पर्दा, पति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया था पति का कत्ल। महाराष्ट्र के अमरावती में एक दिव्यांग किसान ने की खुदकुशी, अपने खेत में जाने के लिए रास्ता न मिलने से था परेशान। आगरा में अवैध संबंधों के चलते दोस्त का कत्ल, पुलिस मामले की कर रही है जांच। यूपी के महोबा में एक नाबालिग दलित के साथ गैंगरेप, गर्भवती होने का खुलासा, 4 दबंगों ने कई महीने तक बनाया हवस का शिकार। अंबाला में सैनिटाइजर के बहाने अल्कोहल तस्करी का हुआ भंडाफोड़, टैंकर चालक हिरासत में। यूपी के सहारनपुर में सीसीटीवी में कैद लूट की वारदात, पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को दबोचा। हिमाचल के सिरमौर में दर्दनाक सड़क हादसे में 10 की मौत, बारात ले जा रही बुलेरो खाई में गिरी। गुरुग्राम में उल्टी दिशा से आ रही कार चक्के भिड़ी, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। प्रयागराज में खेत में मिली बच्चे की लाश, जमीनी विवाद में पड़ोसियों पर शक। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धौलपुर में बवाल, करीब 2 घंटे तक हाईवे पर लगा जाम। डीडीयू जंक्शन पर 6.5 किलो सोने के साथ 2 युवक गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2.5 करोड़ है कीमत। मथुरा में धोखाधड़ी के आरोप को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर गांव वालों ने किया हमला, आरोपी को भी छुड़ाया। रीवा में मंदिर में सुरक्षा में तैनात जवान ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, प्रेमिका के शोषण की हो रही है विभागीय जांच। सिंगरौली में एक युवक ने लाठियों से पीट पीट कर की पिता की हत्या, घरेलू कलह के चलते हुई वारदात। वाराणसी में सड़क निर्माण में लापरवाही में एक डॉक्टर की मौत, स्कूटी स्लिप होने पर पीछे से आ रही सीमेंट मिक्सर लदी गाड़ी ने रौंदा। रीवा में घर से महिला की लाश मिलने से हड़कंप, लिव इन पार्टनर ने हत्या कर रसोई में दफनाया शव। मुजफ्फरनगर में एक ही घर में युवक की लाश मिलने से हड़कंप, कमरे में कुंडे से लटका मिला शव। पंजाब के पठानकोट में युवक का मर्डर, मामूली झगड़े में वारदात को दिया गया अंजाम। आगरा में 2 करोड़ की फिरौती वसूलने के लिए दोस्त का कत्ल, दोस्त ने पीपी किट पहनाकर किया अंतिम संस्कार। आगरा में सचिन चौहान हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को दबोचा गया, वारदात में इस्तेमाल कार और दूसरे सामान बरामद। दिल्ली में बेटे ने अपने मां बाप को चाकू से गोदा, पिता की मौके पर मौत, मां की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 2 बुजुर्ग रिश्तेदारों के बीच जमकर चले लात घूंसे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जोधपुर में 1 करोड़ की सिगरेट चुरा ले गए चोर, मिनी ट्रक में आए थे सेंधमार, सीसीटीवी में कैद वारदात।
बीसीसीआई ने कोरोना के चलते यूएई में शिफ्ट किया टी20 वर्ल्ड कप, आईसीसी को दी गई फैसले की जानकारी। 17 अक्टूबर से शुरू हो सकता है टी20 का वर्ल्ड कप, आईसीसी फाइनल करेगा पूरा शेड्यूल। ओलंपिक से पहले भारत के लिए गुड न्यूज, राही सरनोबत ने क्रोएशिया में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड मेडल। यूरो कप में वर्ल्ड नंबर वन बेल्जियम ने दिखाया दम, डिफेंडिंग चैंपियन पुर्तगाल को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट से किया बाहर। नेदरलैंड्स को हराकर चेक रिपब्लिक ने यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, अब डेनमार्क से होगा चेक रिपब्लिक का सामना।